हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 सेट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस। ये सिंबल है बिलोंग्स का या नॉट बिलोंग्स का। तो हमें कुछ नंबर दिया हुआ है लाइक 5, 8, 10, 4। तो हम चेक करना है ये 5 सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिंबल इनपुट करना है। तो 5 हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे बिलोंग का सिंबल पुट करेंगे। 8 सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है तो ये डज नॉट बिलोंग्स। 0 बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी डज नॉट बिलोंग्स। 4 बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स। 2 बिलोंग्स कर रहा है तो बिलोंग्स। 10 सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट्स 2 टाइप का होता है, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 लेस देन 7। तो सॉल्यूशन ए इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, +-1, +-2, 0 सो ऑन। सो -3 से बड़ा और समान और 7 से छोटा है। तो एक्स क्या क्या बन सकता है, -3 बन सकता है, -2 बन सकता है, -1 बन सकता है, 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, 6 तक बन सकता है। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी एक सेट है, सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूँगा, बी सेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, यहाँ पे क्या है लेस देन 6। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6, तो 6 नहीं लिख सकता हूँ। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट बी का रोस्टर फॉर्म ये है। तो सेट का अच्छे से जानकारी के लिए हमें इस चैनल पे इंट्रोडक्शन वीडियो डाला हुआ है तो देख सकते हो। चलिए देखते हैं रोमन 3। सी सेट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर का सम कितना है, 8 है। तो हमारा सेट क्या हो रहा है, 2 डिजिट और सम 8। तो 1 + 7 = 8 ये हो सकता है। तो 2 + 6 ये 8 है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर और 2 डिजिट नेचुरल नंबर और इसका सम 8। 1 + 7 = 8, 2 + 6 = 8। तो और क्या हो सकता है, 3 + 5 = 8, 4 + 4 और 5 + 3 और 6 + 2 =
और क्या होता है, सेवन प्लस वन और एट ज़ीरो, ये है हमारा सेट। पहले से एक बार सुन लो, x इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट एट, मीन्स टू डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए और इसका सम एट है, तो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोमन फोर दिया हुआ है सेट d इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर क्या है, टू थ्री फाइव सेवन सो ऑन, सो x क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर विच इज़ डिविजर ऑफ 60 और 60 का डिविजर होना चाहिए, तो हमारा सेट क्या हो रहा है, टू से 60 को डिवाइड कर सकता हूँ, तो टू हमारा डिविजर है, टू थ्री से 60 को डिवाइड कर सकता हूँ, तो 60 का डिविजर थ्री है, और फाइव से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 60 का डिविजर फाइव भी है, सेवन से नहीं कर सकता हूँ, नाइन से भी नहीं, एलेवन से नहीं कर सकता हूँ, सेवनटीन से नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ख़त्म है। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट डी का रोस्टर फॉर्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। सेट ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। तो आंसर सेट ई इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में जितना लेटर है इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, तो कितने सारे एलिमेंट से ये ट्राइगोनोमेट्री बना है, तो टी से, आर से, आई से, जी, ओ, एन, एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो ओनली वन टाइम्स, तो एम ई आर लिखा हो गया, तो वाई, ये है हमारा सेट। सेट में अंदर जो लेटर है उसको एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता है, तो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। चलिए देखते हैं रोमन सिक्स। सेट एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये सिमिलर है क्वेश्चन फाइव का, तो एफ सेट इक्वल टू क्या होता है, वी आएगा, ई टी, और ई तो आ गया, टी दोबारा नहीं होगा, आर, ये हमारा रोस्टर फॉर्म।